नमस्कार। राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अपनी चर्चा इस समय नक्षत्रों पे चल रही है। नक्षत्र जिनका कभी क्षरण नहीं होता, नक्षत्र जो कभी नष्ट नहीं होते। आकाशपथ पे आप देखेंगे तो 88 तारों का ऐसा समूह है जिनको नक्षत्रों की संज्ञा दी जा सकती है, किंतु हमारे शास्त्रकारों ने 27 तारों के समूह को ही नक्षत्र की संज्ञा से विभूषित किया। उसके पीछे जो प्रमुख कारण रहा है वो कारण ये है कि यहीं पे जहाँ जहाँ चंद्रदेव का संचरण होता है, चंद्रमा उपभोग करता है, चंद्रमा मतलब मन, वहीं उन्हीं को नक्षत्रों की संज्ञा से विभूषित किया गया। नक्षत्र ज्योतिष के आधार स्तंभ है। ज्योतिष में आप देखेंगे ना तो वर्तमान में हमारी जो चर्चा होती है राशि और ग्रहों पे होती है। पहले नक्षत्र के आधार पे ही ज्योतिष चलता था। वर्षा का कौन सा नक्षत्र है, किस माह में कितनी बारिश होगी, किस माह में खेती करें, किस माह में क्या करें, सब नक्षत्र के आधार पे था। इसीलिए प्रामाणिकता के साथ चलता था। आजकल क्या है, राशि राशि राशि, इसलिए प्रामाणिकता का थोड़ी कमी आ गई है। तो हमारे चैनल पे टोटल बात नक्षत्रों की। ज्योतिष का आधार स्तंभ है। कहते हैं कि ज्योतिष वेद का नेत्र है, लेकिन ज्योतिष का नेत्र कौन है, नक्षत्र ज्योतिष के नेत्र है। आज बात हस्त नक्षत्र की। 13 नंबर का नक्षत्र है हस्त नक्षत्र। हस्त नक्षत्र आप देखेंगे तो यह पूर्णतः कन्या राशि का आधार स्तंभ है। किसका है, कन्या राशि का आधार स्तंभ है। और 160 से लेकर 173 अंश तक जो आकाश पथ पे स्थिति बन रही है वो हस्त नक्षत्र की है। कन्या लग्न में 10 अंश से लेकर 23-20 तक जो स्थिति बन रही है वो हस्त नक्षत्र की बन रही है। हस्त नक्षत्र, हस्त के जो स्वामी हैं वो चंद्रमा हैं, तो ये चंद्रमा का दूसरा सुंदर नक्षत्र है। चलेगा कहाँ, अपने पुत्र के बुध के राशि में। तो पिता का नक्षत्र बुध की राशि में अच्छा सपोर्ट करेगा, कोई डाउट ही नहीं है। 5 चमकते हुए सितारे, कितने, 5 चमकते हुए सितारे इस नक्षत्र पे हैं। अच्छा, इस पे हम चर्चा करेंगे, नक्षत्र का क्या स्वरूप है, नक्षत्र के प्रतीक क्या है, नक्षत्र से क्या क्या लाभ होगा, नक्षत्र के अनुसार कौन कौन सा कर्मा करना चाहिए, आपका जीवन साथी कैसा होगा, लव लाइफ कैसा होगा, पैसे कितने कमाओगे, जितना डिटेल हो सकता है उतना डिटेल में आपको इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। उससे पहले चर्चा आरंभ करें, विनम्र अनुरोध है। कौन सा विनम्र, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपको पसंद आए तो मित्रों को शेयर करिएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा, वरना डिसलाइक कर दीजिएगा, ठीक। 5 सितारे हैं, 5 सितारे या जो प्रतीक है, 5 सितारों का हाथ जैसा बनता है। किसके जैसे, हाथ जैसे, मतलब हाथ 5 उंगलियां आप पहले, ठीक है ना, 5 उंगलियों का प्रतीक है। इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं चंद्रदेव हैं, अतः यह नक्षत्र व्यक्ति से मन से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा, मन से, स्वार्थ से नहीं जुड़ेगा, मन से जुड़ेगा। आप जो भी काम करेंगे मन से काम करेंगे, स्वार्थ साइड में रख देंगे, बोलेंगे ठीक है बाद में देखेंगे। तो मन से काम करने के लिए यह नक्षत्र जाना जाता है। इस नक्षत्र पे जो शक्ति है परमात्मा की, उसका नाम है हस्त स्थापना अगम्या शक्ति। शास्त्रकार कहते हैं कि अब आपकी इच्छा ईश्वर पूरी करेंगे, आपकी इच्छा ईश्वर पूरी करेंगे। ईश्वर पूरी क्यों करेंगे, ईश्वर आपके कर्जदार हैं क्या, नहीं। देखिए जो ये हाथ है ना, संसार में सारे रिश्ते किससे चलते हैं, हाथ से। हाथ दे भी सकते हैं, हाथ से ले भी सकते हैं, हाथ आप किसी का काट भी सकते हैं, किसी का हाथ सपोर्ट भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ कर सकते हैं। तो ये जो हाथ ही है आपका, ईश्वर ने आपको दिया है, इन्हीं हाथों की शक्ति से आप संसार में समस्त कार्य कर सकते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। क्योंकि हमारे जो शास्त्रकार होते हैं वो प्रतीकों में हमें समझाते हैं, कहाँ पे, प्रतीकों में जाके। तो प्रतीक यही कहता है कि उत्तिष्ठ, उठिए और अपने कार्य को खुद संभालना शुरू करिए। ईश्वर यही चाहते हैं कि परमात्मा ने आपको दो दो हाथ दिए हैं। बहुत लोग दुनिया में जिनको एक हाथ भी नहीं है, आप दो हाथ प्राप्त करने के बाद रुदन कर रहे हो तो परमात्मा की हस्त स्थापना गम्या शक्ति बेकार है। आपके हाथ में वो शक्ति है, वो एनर्जी है, वो कला है, आप जहाँ पे हाथ लगाओगे काम बन जाएगा। हस्त नक्षत्र को मैं अक्सर कहता हूँ कि आप किसी से मिलना है, किसी से बात करना है, किसी से काम निकलवाना है, हस्त नक्षत्र का यूज़ करो। आपके हाथ में विशेष कला है। देखो, हस्त वालों के साथ एक खास बात है, या तो आप अत्यधिक स्मार्ट होंगे, सुंदर होंगे, या तो आपकी वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छी होगी, या आपके काम करने का तरीका इतना डिफरेंट होगा जो आपको लोगों के बीच में
जाना जाएगा, लोग आपको जानेंगे, लोगों के बीच में आप पॉपुलर हो जाएंगे। वर्ड क्या है? पॉपुलर हो जाना। तो ये हस्त नक्षत्र पॉपुलरिटी का नक्षत्र है, अपने कर्मा से, अपने पर्सनालिटी से। हस्त का मतलब हाथ, ठीक है ना। अब हाथ जो है, हाथ ही तो है जो सारे संसार में काम करता है। हस्त का मतलब हंसना भी होता है, हंसना। तो आप हंसने से रिलेटेड वर्क करा सकते हो। जाने लीवर कौन नहीं जानता, राजू श्रीवास्तव चले गए लेकिन अमर हो गए, क्यों? क्योंकि हंसना हंसाना जानते थे, ठीक। पंजाब के सीएम हंसते हंसाते और सीएम बन गए। तो ये भी बहुत बड़ी कला है, ठीक है ना। तो अच्छा, इसका जो एक और चिन्ह है ना, हाथ है। दूसरा, कहीं कहीं मुट्ठी बंधी हुई है। तो आपको हस्त स्थापना गम्य शक्ति चाहिए तो हाथ खोलिए नहीं, हाथ को मुट्ठी में बांध लीजिए। अब शक्ति हो गई। मुट्ठी क्या है? शक्ति का प्रतीक है। दूसरा, मुट्ठी लड़ने का प्रतीक है। भाई किसी से लड़ाई करना है तो मुट्ठी से लोग मारते हैं, मुक्का मार देंगे। तो ये आपने शक्तियों को एकत्रित करके शत्रु पे आक्रमण करने का है, शक्तियों को एकत्रित करके सृजन करने का है, ऐसा आप कह सकते हैं। इसका एक और प्रतीक चिन्ह है जिसका नाम है कुम्हार का चक्र। देखो, प्रतीकों को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतीक ऐसा कुछ समझा के जाते हैं जिसको नॉर्मल अर्थों में आप समझ ही नहीं पाएंगे, इसलिए प्रतीक बनाया जाता है। आपके आसपास कहीं विद्युत वाले हैं ना, जब उनको कहीं पे लाइन काट के लाइन जोड़नी होती है तो क्या करते हैं, एक मुंडी काटते हैं, उसके नीचे दो हड्डी लगा देते हैं, ऐसे ऐसे चिन्ह, क्रॉस चिन्ह। मतलब भैया, अगर इसको आप ऑन किए तो अगला आदमी जो काम कर रहा है वो निकल जाएगा, वो स्वर्गवासी हो जाएगा। ये प्रतीक है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि लगा के चले गए तो जितने काम करने वाले हैं सब मर जाएंगे। प्रतीक ये है कि डेंजरस पॉइंट है, खतरनाक पॉइंट पर कृपया लाइट ऑन ना करें वरना किसी के साथ दुर्घटना हो सकती है। यह प्रतीक चिन्ह है। उसी तरह कुम्हार का जो चक्र है ये सृजन का प्रतीक है। संसार में अभी मान लीजिए हज़ार वर्ष के पहले जो वर्तन वगैरह हुआ करते थे वो सब ज़्यादातर कुम्भकार बनाया करते थे। आपको दीपावली में दियाली चाहिए और बर्तन चाहिए, चाहे वो पानी रखने का हो या घड़ा चाहिए, वो सब वही बना के देते थे। तो ये जो कुम्हार का चक्र है ना, सृजन का प्रतीक है। और चक्र मतलब समय, कुम्हार मतलब ब्रह्मा, और कुम्हार का चक्र मतलब ब्रह्मा के द्वारा सृजित चीज़ें, आप ऐसा भी कह सकते हैं। देवता जो इसके हैं सविता हैं। सविता कौन है? सविता हम गायत्री का स्वरूप समझते हैं। तो ये प्रातःकालीन उदित होते हुए सूर्यदेव हैं। एक और चीज़ है, कहीं कहीं कथा आती है कि सविता जी के हाथ कट गए थे। तो सविता के जब हाथ कट गए तो उन्होंने स्वर्ण के हाथ लगा लिए थे। अतः आपका हाथ जब समाज रोकेगा, आपका हाथ समाज काटेगा, आपके हाथ अपने लोग काटेंगे, आपका हक आपके लोग मारेंगे, तो परमात्मा आपको स्वर्ण हस्त दे देगा। जाओ, गोल्डन आर्म, जो कुछ करोगे। स्वर्ण हस्त का मतलब क्या हुआ? गोल्डन आर्म। आपको जो भी कुछ करोगे सब कुछ राधे राधे होगा, कहीं पे कोई परेशानी आएगी नहीं। इसको बोलते हैं स्वर्ण हस्त हो जाना, ठीक। अब सविता महाराज जो हैं ये एनर्जी के प्रतीक हैं, सूर्य नारायण के ही स्वरूप हैं। लेकिन अगर अंतर आपको देखना हो तो जितना अंतर आत्मा में और शरीर में होता है उतना अंतर सूर्य नारायण और सविता में है। ये प्राणाग्नि को संचरित करने वाले, संचार करने वाले देवता हैं। इसके ऊपर जो ऋषि महाराज हैं, ऋषि पुलाहा, इनको पुलत्स ऋषि के नाम से जाना जाता है। पुलाहा और पुलत्स ऋषि एक ही हैं। ये ब्रह्मा जी के संतान हैं। इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी पद्मकल्प में जाके की थी। वारुणी यज्ञ में ब्रह्मा जी के कान से उत्पत्ति हुई, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। ये पुलस्त ऋषि जो है महान ऋषि थे। इनके वंश परंपरा में महानतम लोग पैदा हुए। तो आप महानतम परंपरा में हो, यह पॉइंट बता रहा है। पुलस्त ऋषि से ही विश्वा पैदा हुए, जो रावण कुबेर इन्हीं के वंशज में आए। तो यह ऋषि कुल परंपरा ऐसी परंपरा है जिससे कि आप ब्रह्म तत्व को जानोगे, लेकिन एनर्जी अगर सही उपयोग नहीं करोगे तो आप राक्षस की तरफ बढ़ जाओगे। जाति वैश्य है। कन्या राशि में चल रही है और कन्या का मतलब ही है बुध। बुध क्या है? बनना सिखाता है, बुध बेचना सिखाता है, बुध खरीदना जानता है। तो खरीदना बेचना सिखाना ये सारा किसके अंडर कस्टडी में आता है? बुध के। तो बुध यहाँ पर आपको एक अच्छा खरीदार, अच्छा विक्रेता, इस तरह की सारी चीज़ें बना के देगा। लिंग पुरुष है, मतलब आपको आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा, पीछे हट के नहीं, संघर्ष करना पड़ेगा समाज में। सब कुछ आपको बहुत सरलता से नहीं मिलने वाला है।
दिशा दक्षिण दिशा है, मतलब दक्षिण दिशा में जाके आप काम करेंगे, दक्षता प्राप्त करेंगे। दक्षिण दिशा किसकी है? दक्षता की, और दक्षता से दक्षिणा बनती है। तो आप दक्षता प्राप्त करके काम करेंगे, आपका काम कोई रोक नहीं पाएगा। वात प्रधान है, हाँ, अब ये चीज़ें आपको ध्यान देना होगा। अगर आप वात प्रधान हैं तो आपको खान पान में ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी खान पान मत करिए जिससे वात की अधिकता बढ़े। ये जो पॉइंट है वो नक्षत्र पे यही बता रहे हैं, आपका चंद्रमा यहाँ पे चल रहा है, इन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। गुण राजसिक हैं, राजसिक गुण है मतलब आप अपने मेहनत से सफलता प्राप्त करेंगे, और सफलता ही नहीं प्राप्त करेंगे, आपके मन में इच्छा रहेगी हम बेहतर करें, और यह बेहतर करने की इच्छा बहुत अच्छी है, सबको जीवन में बेहतर करना चाहिए। तो सुख उपभोग की सारी सामग्री आप एकत्रित करेंगे, उनका सुख का उपभोग करेंगे। तत्व अग्नि तत्व है, आग क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्वों में सबसे श्रेष्ठ जो तत्व है अग्नि तत्व है, सबको लास्ट में अलग व्यय कर देता है। अग्नि तेज का प्रतीक है, गण इसके देवता है, मतलब बड़प्पन आपके अंदर कूट कूट के भरा है। देना आप जानते हो, आपके पास है या नहीं, कोई मांगने आएगा तो आप उसको दे दोगे, ले जाओ यार खुश रहो, तुम खुश रहो, हम अपना देख ही लेंगे, ठीक है ना। इस तरह की चीज़ें आपके साथ आ रही हैं। और स्वभाव मृदु है, मतलब मीठा है, आप सबसे नॉर्मल तरीके से बहुत अच्छा स्वभाव रखते हैं, व्यवहार आपका अच्छा है। द्वादशी तिथि इसकी तिथि मानी जाती है, और द्वादशी तिथि संतान प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ तिथि होती है, मतलब श्रेष्ठ संतान प्राप्त करने के लिए आप बने हुए हैं। चैत्र माह के प्रथम 9 दिन इसके दिन माने जाते हैं, और जो इसके ऋषि हैं, ठीक है ना, वो हमने बताया कि पुलस्त्य ऋषि हैं, पुलस्त्य ऋषि और सविता देवता, इन दोनों को ध्यान में रखिएगा। अब यह नक्षत्र कन्या राशि का आधार स्तंभ है, और चित्रा के पहले आता है, मतलब सामंजस्य बनाने की ओर आप जाएंगे। हस्त का सीधा सा मतलब है हाथ में आपके वो कला है जिससे कि आप समस्त संसार में समस्त कार्य बना लेने की आपके अंदर क्षमता है, इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। आगे हम चर्चा करेंगे आपका कर्म व्यवसाय कैसा है, काम कहाँ पे क्या क्या आपको करना है, कौन कौन सा कर्म व्यवसाय करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो नक्षत्र स्वामी कौन हुए, नक्षत्र स्वामी चंद्र महाराज हो गए। अब चंद्र महाराज आपकी कुंडली में नक्षत्र स्वामी हो गए, या बुध के राशि में चलता है तो बुध का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। बुध के प्रभाव के साथ साथ इस नक्षत्र पे चंद्र का प्रभाव पड़ेगा, तो पिता पुत्र एक साथ चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, पिता पुत्र एक साथ। अब हस्त नक्षत्र में आप चार नवांश आपको मिलेंगे, चार नवांश में मेष वृष मिथुन कर्क, लगातार चार नवांश ये मिल रहे हैं। आपका स्वभाव निश्चित रूप से आप कर्मयोगी हैं, क्या हैं, कर्मयोगी हैं। आप हास्य प्रिय हैं क्योंकि बुध हंसना हंसाना जानता है, उत्साही हैं, बहुत ज़्यादा तनाव वनाव नहीं लेते, ठीक है ना, हर समय मुस्कुराते रहना है। आप धार्मिक हैं, माता पिता के अत्यंत प्रिय हैं, थोड़े से कभी कभी सूर्य की स्थिति से अभिमानी आप हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, अभिमान किसको नहीं आता, परिस्थितियां अगर आपके सपोर्ट में आए तो आप चूँकि सेल्फ मेड योग क्रिएट करने वाले लोग हैं, और सेल्फ मेड योग में अभिमान आना स्वाभाविक है। शास्त्रकार कहते हैं कि थोड़े झूठ बोलने वाले हैं, झूठ बोलेगा कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ नक्षत्र के आधार पर नहीं कह सकते, यद्यपि नक्षत्र महत्वपूर्ण है, नक्षत्र की जैसा है, नक्षत्र बीज डाल देता है, लेकिन बीज पुष्पित पल्लवित होगा कि नहीं उस पर ग्रह रूपी जो पानी और खाद मिलता है उससे पता चलेगा। तो यह थोड़ा सा चूँकि स्वार्थ प्रिय है, ठीक है ना, बुध का है, थोड़ा स्वार्थ तो है, इसलिए अपने काम बनाने के लिए वे आप टॉकिंग इनकी थोड़ी सी मधुर हो जाती, थोड़ा झूठा बोल लेते हैं, बस इतनी सी बातें हैं। और शास्त्रकार कहते हैं कि माता पिता के प्रिय हैं, गुरुओं के प्रिय हैं, बड़े लोग आपको प्रेम देते हैं, चालाक हैं, चतुर हैं, मक्कार हैं, चतुर हैं, मक्कार तब तक नहीं होंगे जब तक राहु इत्यादि पाप ग्रह का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब तक मक्कार शब्द का उपयोग करना ठीक नहीं है, शास्त्रकारों ने कहा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। वाचाल हैं, वादा तोड़ने में माहिर हैं। देखिए बुध जो है ना, वहीं तक आपको सपोर्ट करेगा जहाँ तक उसका लाभ होगा, सीधा सा फंडा है, बुध बेवकूफ़ नहीं है, बनना सिखाता है, बनिया बनना सिखाता है, बनिए, जहाँ तक ज़रूरत है वहीं तक चलिए, ज़रूरत नहीं है वापस लौटाइए। थोड़ा सा आवरण क्रिएट करता है, पाखंडी शास्त्रकार कहते हैं, आवरण क्रिएट करता है, ऐसा सीधा सीधा जानिए। आप पुरुष हैं तो ये आपके अंदर स्वभाव है, आप स्त्री जाति का हैं, शक्ति स्वरूपा हैं, तो उत्साही हैं, मिलनसार हैं, अद्भुत क्षमता है तर्क वितर्क करने की, तर्क वितर्क करके ही
बातों को समझते हैं आप। नॉर्मल तरीके से कोई बोले कि ये ऐसे होता है, नहीं आप समझाओ, अच्छी चीज़ है। जीवन में तर्क वितर्क करना चाहिए। धन धान्य युक्त हैं, उद्यमशील हैं, वाचाल हैं। शास्त्रकार कभी कभी कहते हैं कि हृदय कठोर है। अब आप इस नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो कर्म व्यवसाय क्या क्या कर सकते हैं, तो याद रखिएगा मेष, वृष, मिथुन और कर्क, ये तीन नवांश में कुंडली चलेगी। तो प्रथम जो चरण होगा उसमें आपको मेष नवांश मिलेगा। कौन सा नवांश मिलेगा? मेष नवांश मिलेगा। तो इस शास्त्रकार इस नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं तो क्या क्या कर्म करें, उसके पहले एक और चीज़ बता दूं। इस नक्षत्र पे अगर पाप प्रभाव पड़ता है तो आपको शूल के रोल रोग, मंदाग्नि, उदर विकार, टांगों में दर्द, वायु विकार, श्वास संबंधी बीमारी आएगी। नाभि से रिलेटेड आसपास जो काम करने वाले हैं तंत्र, उस पर प्रभाव आएगा। प्रकाश का काम कर सकते हैं आप, प्रकाश से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं। वर्क मैं आपका देखता हूँ तो देखिए, बुध का मतलब है बेचना और कन्या राशि का मतलब है गंजे को कंघा बेच देना। चंद्रमा यहाँ आप सपोर्ट कर रहा है, बोलता है मैं लाभ का स्वामी हूँ बेटा, बेच दे, ठीक है ना। तो भावनात्मक रूप से या भावनात्मक रूप से लोगों से जुड़ के उनको जो कुछ आप सेल करना चाहेंगे वो सेल कर देंगे। तो डेफिनेटली रिश्ते में आप इसीलिए जुड़ेंगे, दोस्ती में इसीलिए जुड़ेंगे कि आपको लाभ हो। तो यहाँ पे यह लक्षण आपके अंदर बहुत ज़बरदस्त होगा। आप प्रथम चरण में पैदा हुए हैं तब आप सेना में भी जा सकते हैं, ठीक है ना। नौसेना से आप लाभ उठा सकते हैं, सेना पुलिस प्रशासन में जा सकते हैं। तो इस नक्षत्र का स्वभाव क्या है कि इसमें आप एक अच्छे सेल्समैन हैं, एक अच्छे ब्रोकर हैं और एक अच्छे जो ये काम करने वाले होते हैं LIC वगैरह, ठीक है ना, ये सारे काम करने वाले हैं। आप लोगों से मिलेंगे और अपना काम बना ले जाएंगे। कपड़ा मिल में आप हो सकते हैं, प्रेस में हो सकते हैं, वार्ता करने में आप कुशल हैं, इसलिए मीडिया से रिलेटेड सारे वर्क आप करिए, आपको लाभ होगा। आप अच्छे क्वालिटी के कलाकार हैं। अब कलाकार होने का मतलब है कि आप, फिर आप इंडिया में हैं तो बॉम्बे की ओर प्रस्थान करिए, और जगह और देशों में हैं तो और अपने अपने क्षेत्रों में प्रस्थान करिए। कला जगत में आपको सफलता मिलेगी क्योंकि जो भाव उतार लेने की क्षमता है ना वो आपके अंदर विशेष है। कुछ कलाकार ऐसे भावों को प्रकट करते हैं जैसे माधुरी दीक्षित, उनका भी कन्या राशि है, ठीक है ना, कन्या से रिलेशन बनता है, तो वो जब नृत्य करें या जो भाव उतारते हैं उनके अंदर ऐसा लगता है वो चीज़ प्रकट हो गया। तो कलाकार हैं आप, अच्छे शिल्पकार हैं। शिल्पकार यहाँ पे ये वर्ड जरूर पकड़ रखिएगा, आपके हाथ में विशेष कला है भाई। आप लिखेंगे तो बहुत सुंदर लिखेंगे, चित्र बनाएंगे इजिली किसी का चित्र बना के रख देंगे, कुछ न कुछ विशेष कला परमात्मा आपको दे के रखा है। स्वर्ण के हाथ है भाई, गोल्डन आर्म है आपकी, क्यों बोल रहे हैं। इसलिए जीवन में अगर सफलता न मिले तो अपने हाथों का उपयोग करिए सही से। कारीगर हैं आप, नेता हैं, पेंटर हैं, राजदूत हैं, बहुत अच्छे ग्रह हुए तो दूतावास या राजदूत में काम करने को आपको मिलेगा। और आप सरकार के अधीन काम करने वाले, जहाँ पे वाणिज्य से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड, लेन देन से रिलेटेड, मनरेगा से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आप कर्मचारी हो सकते हैं, टाइपिस्ट का काम कर सकते हैं, रेलवे में जाके टाइपिस्ट का काम कर सकते हैं। आयात निर्यात संबंधी जितने भी कार्य हैं वो आपके लिए ही बने हैं, सामान को ले आना, सामान को भेज देना। आजकल तो ऑनलाइन काम चलता है बैठे बैठे। अब बहुत सी ऐसी कंपनियां जिनके पास एक गाड़ी नहीं है लेकिन हर शहर में उन्हीं के नाम से गाड़ी चलती है, उनकी खुद की गाड़ी नहीं है बट नेटवर्किंग है। तो इस तरह के कामों में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ज़मीन को खोदना, खंदक बनाना, नहर बनाना, खाई बनाना, ये सब काम करना, बाँस से रिलेटेड काम। अब बाँस वाला काम तो आजकल तो रहा नहीं, पहले चारपाई से लेके घर तक बाँस ही बनते थे, तो उससे रिलेटेड सारे काम। आप संचार से रिलेटेड, क्योंकि बुध है, चलना जानता है, डाकिये के जैसा काम करता है, इसलिए सारा काम बुध से रिलेटेड जितने भी वर्क हैं आप कर सकते हैं। इंक व्यवसाय, आजकल तो इंक का व्यवसाय ख़त्म हो गया लेकिन फिर भी पेन में रिफिल तो लगती है ना, तो इससे रिलेटेड जितने भी चीज़ें लिखने वाली, पेन पेंसिल रबड़ मिट्टा, आप पढ़ने पढ़ाने के सामान, किताब, ये जितनी चीज़ें हैं स्कूल के पास कहीं खोल लीजिए, आपको बहुत अच्छा चलेगा। कमीशन एजेंट बन सकते हैं, गजब की क्षमता है एजेंट बनने की, और कमीशन एजेंट बनने की आपके अंदर गजब की क्षमता है। विज्ञापन आप ले सकते हैं, विज्ञापन का बढ़िया से प्रचार कर सकते हैं। और शास्त्रकार कहते हैं कि पुल, बांध, नहर निर्माण, सुरंग निर्माता, चित्रकार हैं आप, राजदूत, सूती वस्त्र या वस्त्र से रिलेटेड आप जितने भी काम है कमीशन में लेके, आप कमीशन के साथ काम करेंगे उसमें आपको बेहतर लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पॉइंट ये है मित्र
कि आप हस्त नक्षत्र में जन्म लिए हैं। कहाँ पे लिए हैं? हस्त नक्षत्र में। अब हस्त नक्षत्र जो है चंद्रमा का खूबसूरत नक्षत्र है, और या चरणों में देखें तो पहले मेष में जाएंगे, मंगल का प्रभाव जाएगा, तो चंद्रमा मंगल आपको मिलके बुध का प्रभाव आपको इन नेवी में डाल देंगे, मर्चेंट नेवी में चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, मर्चेंट नेवी में चले जाएंगे, आप मत्स्य पालन में चले जाएंगे, जल से आपको फ़ायदा होगा। ठीक, सरकार के जो जल विभाग से संबंधित कार्य प्रणाली है वहाँ पर आपको लाभ होगा। वहीं पर आप अगर सेकंड में पैदा हुए हैं तो शुक्र से संबंधित जो काम करना है, आप मीडिया में जाएँ, फिल्म लाइन में जाएँ, सुंदर कपड़े बेचें, सुंदर आभूषण बेचें, सुंदरता का काम, कला करें, पेंटिंग करें, जितने भी काम है सेकंड चरण में मिलेगा। थर्ड चरण का गजब का एजेंट बनोगे। अगर आप थर्ड चरण में पैदा हुए हैं तो एजेंट का काम करिए, आप मीडिएटर का काम करिए, दलाली का काम करिए, डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। वहीं पे अगर आप चतुर्थ चरण में पैदा हुए हैं तो जल से रिलेटेड काम, फिर आप संगीत के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, हास्य कलाकार हो सकते हैं, भावनात्मक रूप से ऐसे कलाकार होंगे जब चाहेंगे लोगों की आंख में आंसू आ जाएंगे, लोगों को रुला देंगे, आपके उंगलियों पे वो जादू रहेगा मित्र, जैसा चाहोगे जैसा नचाओगे वैसे नाचेंगे। ये इस नक्षत्र के खास खास बातें हैं, और कुछ खास बातें मैं अगर आपको बताऊं तो विवाह के बाद जिम्मेदारी का नक्षत्र है। ये क्या है? विवाह के बाद जिम्मेदारी का नक्षत्र। इसके पहले हम देख रहे थे ना, आराम है, रिलैक्स है, सैया है, अब उसके बाद घर बस गया ना, तो घर के बसने के बाद जिम्मेदारी का नक्षत्र है, इसलिए अब नए चीज़ों का सृजन होगा। आपको घर बनाना पड़ेगा, बेड भी बनाना पड़ेगा, बच्चों के लिए व्यवस्था करना पड़ेगा, बच्चों को स्कूल भेजना पड़ेगा, वहाँ पढ़ाना पड़ेगा, बीवी को गहना बनाना पड़ेगा, जीवन साथी का सपोर्ट करना पड़ेगा, माता पिता के दवा की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। तो विवाह के बाद की जिम्मेदारियों का नक्षत्र है, और इसका जो पौधा है ना उसको बोलते हैं मालती। तो मालती और चमेली का पौधा आप लगाइए, जैसे जैसे यह पौधा ग्रोथ करेगा वैसे वैसे आपके जीवन में ग्रोथ होगा। आपके कुंडली में अब यहाँ से आप चाहते हैं कि जीवन में आप खूब ग्रोथ करें, ठीक है ना, तो धनिष्ठा संबंधी काम करना भी आपके लिए बेहतर काम होगा। हाँ जी, एक्चुअली आप श्रवण नक्षत्र और धनिष्ठा संबंधी आप काम करते हैं तो बहुत लाभ होगा। आप चाहते हैं कि आपके कर्म में ग्रोथ हो तो शमी का पौधा और मंदिर में रूई का दान आप करें, ऐसा करने से आपको बेहतर परिणाम मिलेगा। धनात्मक दृष्टिकोण से बात करें तो धन तो कमा लेना आपके बाएं हाथ का काम है, धन तो आप कमाएंगे, धनी रहेंगे, धनात्मक रूप से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब आपके कुंडली में आपके जीवन साथी की बात करें और संतान की बात करें, जीवन साथी कैसे मिलेगा, संतान कैसे मिलेगा, तो जीवन साथी देखिए आपका निश्चित रूप से स्टार्टिंग में थोड़ा सा चिकचिक होगी, स्टार्टिंग में चिकचिक होगी, लेकिन बाद में जीवन साथी श्रेष्ठ पद को प्राप्त करने वाला है। तो जीवन साथी निश्चित रूप से आपको बेहतर मिलेगा, लेकिन आपकी अपेक्षा आप थोड़े फरफर हो, थोड़े स्पीड से भागते हो, जीवन साथी सिस्टम से चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, लेकिन भविष्य में वो श्रेष्ठ पद को प्राप्त करने वाला है, वो आपसे ज़्यादा डिसिप्लिन में काम करने वाला है। आप चालाक ज़्यादा हैं लेकिन वो आपसे ज़्यादा धीर है, गंभीर है। आपके संतान की बात करें तो संतान निश्चित रूप से आपकी तेजस्वी होगी, ठीक है ना, संतान की बात करें, संतान डेफिनेटली तेजस्वी होगी। ज़्यादातर संभावना ये बन रही है कि संतान आपको आपकी बातों को सुनने वाली मिले, आप जो जीवन में कर्मा कर रहे हैं ना उसको संतान देख के बड़ी हो रही है, संतान कर्म करने वाली मिलेगी। पिता के दृष्टिकोण से बात करें तो पिता और माता आपको सपोर्ट करेंगे, पिताजी की अपेक्षा माताजी का घर में दबदबा ज़्यादा होगा, माता का दबदबा ज़्यादा होगा, पिताजी माँ को सपोर्ट करते हुए जाएंगे। तो हस्त नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है, हस्त नक्षत्र पे भगवान विष्णु की कहीं ना कहीं कृपा प्राप्त है, ठीक है ना, भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त है। आप चाहते हैं कि आपका ग्रोथ हो तो सदैव कर्म की ओर बढ़ते रहिए, आपके स्वर्ण हाथ हैं, गोल्डन आर्म है, तो निश्चित रूप से आपका विकास होगा। आप चाहते हैं कि आपको परेशानी जीवन में ना आए तो चमेली का पौधा लगाइए, मालती का पौधा लगाइए, भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित करते रहिए, सब कुछ आगे राधे राधे होने की पूरी संभावनाएं बनती हैं। तो चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो पसंद आए तो मित्रों को जानकारी के लिए शेयर जरूर करें।